इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे, सावन चल रहा है, ये तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात है। आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है, बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने पक्ष के पास से लाएगा। बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है, बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है। हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे, सावन चल रहा है, तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ही ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओ। ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है, बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। और आपके साथ कौन है, लोग बोलते हैं तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है, तो आप ही ना असली ताकत है हमारी, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े रह पाओ। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया, और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इसको बरकरार रखिए। जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते, और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने पक्ष के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गए 17 महीने में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा, पेपर लीक हो जाता, नीट का पेपर लीक हो रहा, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने कहा था मानदेव को बढ़ाएंगे, मानदेव को हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह ने, हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया, हम लोगों ने कहा था जातीय आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई, सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया। पुल गिर रहा है, लग रहा कि कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा, पुल पे पुल गिर रहा, एक एक महीना दो दो महीना में लगातार सर आप देखिएगा पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार, किस पे हो रही है कार्रवाई। तो आप सब लोगों को इस चीज़ को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज़ को हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर कमेटी अमेटी बना करके घूमें और लोग जो है काम करें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि और थोड़ा जोर लगाया जाए, और मंजिल में हम लोग पहुँचेंगे, कामयाब होंगे। और आप सब लोगों को यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप लोग चिंता छोड़िए, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको पूरा अधिकार सम्मान दिलाएंगे।
और आपके हक हकूक के लिए कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।